हे कृष्णा, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और मैं हूँ धर्मेंद्र वैष्णव, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल सात्विक बाबा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो नीचे लाल कलर का जो बटन आ रहा है उस पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि उनको इसी तरह के अच्छे कंटेंट मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं, ताकि आपको भी जो गार्डनिंग करते हैं जो लोग और खेती करते हैं उनको नई जानकारी मिलेगी। तो आप सभी जानते होंगे, जैसे कि जो पेड़ होते हैं, हमारे प्लांट्स होते हैं, उनके लिए सबसे जो तीन इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है, पहला होता है नाइट्रोजन, दूसरा होता है पोटेशियम, तीसरा होता है फॉस्फोरस। तो हम आज की इस वीडियो में हम फॉस्फोरस से बात करने वाले हैं कि हम प्लांट को फॉस्फोरस कैसे दे सकते हैं, ताकि इसको जो फॉस्फोरस के फ़ायदे हो वो सारे मिल सकें। तो हम क्या क्या पॉइंट कवर करने वाले इस वीडियो में, पॉइंट पे हम बात करेंगे। जो पहला पॉइंट है वो ये है कि फॉस्फोरस जो होता है वो कहाँ से आता है, कैसे बनता है और उसको हम कैसे खरीद सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि फॉस्फोरस जो होता है उसके क्या फ़ायदे हैं हमारे प्लांट्स के लिए। और तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि फॉस्फोरस को कैसे यूज़ करना है। तो ये तीनों पॉइंट्स मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। तो आप वीडियो पूरा स्टार्टिंग से एंड तक देखें, ताकि आपको तीनों पॉइंट कवर हो जाए आपके और आपको पूरा फ़ायदा मिल सके। तो चलिए हम पहला पॉइंट कवर करते हैं कि फॉस्फोरस हमें मिलता कहाँ से है। तो फॉस्फोरस के जो मेन जो सोर्स हैं वो दो हैं। पहला है कि बोन्स जो होते हैं अपने, उनको पीस के बनाया जाता है। और दूसरा जो सोर्स है वो ये है कि जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती है जिसमें फॉस्फोरस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो उनको पीस के फिर बनाया जाता है। तो जो फॉस्फोरस हमें रॉक से मिलता है उसमें फॉस्फोरस की मात्रा 20-25% के आसपास होती है। बाकी उसमें कैल्शियम भी होता है और आयरन भी बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में, मतलब कम मात्रा में होता है। तो ये फॉस्फोरस के बारे में है कि, और फॉस्फोरस अगर आपको मार्केट से ख़रीदना है तो ये आपको बैग्स में मिलता है, 1 किलो 2 किलो 5 किलो, जैसे आपकी नीड हो वैसे आप खरीद सकते हो। तो बहुत सारे लोग बर्न पाउडर को यूज़ करना नहीं चाहते, तो उसके लिए रॉक फॉस्फेट है, आप वो यूज़ कर सकते हो। तो अब बात करेंगे हम कि जो फॉस्फोरस है उसके क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, तो फॉस्फोरस का जो सबसे बड़ा फ़ायदा जो होता है वो ये होता है कि जो ये प्लांट्स होते हैं हमारे, उनकी जड़ को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है, मजबूत बनाता है। और अगर सबसे प्लांट की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो जड़ ही होती है। अगर जड़ स्ट्रॉन्ग होगी और जड़ को अगर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो तत्व हैं, वो अच्छे से मिल जाएंगे, तो वो प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होगी, उस प्लांट पे फल फूल जो भी लग रहे हैं वो अच्छे लगेंगे। तो इसीलिए रूट्स का बहुत इंपॉर्टेंस है, और रूट्स के लिए इम्पोर्टेंट है फॉस्फोरस, तो हम फॉस्फोरस को डालेंगे उसमें। ठीक है, और दूसरा जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि जो फॉस्फोरस होता है वो इस प्लांट के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा। देखो, जड़ अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होगा। इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा उससे क्या होगा कि जब भी इस पर कोई कीटाणु वगैरह इस पर अटैक करेंगे तो इनकी उनसे लड़ने की शक्ति इसमें आएगी। ठीक है, तो दूसरा फ़ायदा ये। तीसरा फ़ायदा ये कि इस पर जब भी हम फॉस्फोरस यूज़ करते हैं तो इस पर फ्लावरिंग अच्छी होती है, मतलब जो फ्रूट्स होते हैं उनके फूल ज़्यादा आते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारे पेड़ पौधों की जो उपज है वो हमें ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, तो ये फॉस्फोरस के मेन फ़ायदे हैं। अब हम बात करते हैं कि फॉस्फोरस को यूज़ कैसे करना है। तो मेरे पास ये आप देख रहे होंगे, ये फॉस्फोरस 1 किलो का पैकेट है जो मैंने अमेजन से मंगवाया है। आप, मैं इसका लिंक आपके मेरी वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से देख लेना। तो अब हम सीखते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है। ठीक है, तो जनरली रिकमेंड यही किया जाता है कि आप फॉस्फोरस को यूज़ तब करो जब आप अपनी मिट्टी तैयार कर रहे हो कोई भी प्लांट लगाने से पहले, तो उसमें आप फॉस्फोरस की जो क्वान्टिटी चाहिए होती है वो आप मिक्स कर लो उसमें। और अगर माना कि आप भूल भी गए, मिक्स नहीं किया आपने, तो आप बाद में भी उसमें ऐड कर सकते हो, जो प्लांट लग चुके हैं उसमें भी आप उसमें ऐड कर सकते हो। तो आज हम जो इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वो ये कवर करने वाले हैं कि आपके प्लांट पहले से लग चुके हैं तो उसमें आप कैसे फॉस्फोरस को मिक्स करोगे। तो ठीक है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसको प्लांट में यूज़ करते हैं। देखो, ये हमारा अनार का पेड़ है। ठीक है, तो इसमें हम फॉस्फोरस को यूज़ करने वाले हैं। तो इसको यूज़ करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा पानी से इसको गीला करना पड़ेगा ताकि ये अच्छे से मिक्स हो और उड़ नहीं जाए, हवा चल रही हो तो उड़ नहीं जाए। तो उसको मिक्स करने से पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारी सॉइल है उसको थोड़ा सा लूज़ करेंगे। ठीक है, मतलब जिसको हम बोलते हैं हिंदी में गुड़ाई करेंगे, हल्की हल्की हाथों से 1-1 इंच तक की गुड़ाई कर लेंगे ताकि ये अच्छे से नीचे जा सके। तो ये हम गुड़ाई कर लेते हैं अच्छे से। ये हमारी इससे क्या होता है, ऑक्सीजन भी अच्छे से पास होती है अंदर, और
जो फॉस्फोरस हम डाल रहे हैं वो पानी के साथ में नीचे जाएगा और फिर उसका जो काम है वो करेगा। तो ये हमने थोड़ी एक एक इंच की गुड़ाई कर ली है, ठीक है, गुड़ाई कर ली हमने एक इंच की। तो अब ये मेरे पास फॉस्फोरस है, ये आप देख लो मैंने फॉस्फोरस में डाला हुआ है। तो अब इसको डालना कैसे है, देखो अगर जो प्लांट बड़े हैं तो उनको हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में 2 चम्मच ऐड कर लेंगे, इसमें डाल देंगे 2 चम्मच 2 स्पून, और उसके बाद 15 से 20 दिन बाद आप डाल सकते हो क्योंकि इसको मिलने में 15 से 20 दिन लगेंगे इसके अंदर डिकम्पोज होने में, ठीक है। तो उसके बाद हम 1 साल के बाद डाल सकते हैं इसको, 1 साल के बाद या फिर इसकी फ्रूटिंग हो जाए मतलब फल मिल जाए अपने को, उसके बाद डाल सकते हैं, ठीक है। 1 साल के बाद 3 साल के बाद वो अलग अलग लोग यूज़ करते हैं, जनरली 1 साल बहुत होता है इसको वापस यूज़ करने के लिए। तो हम इसको डाल देते हैं अच्छे से, या देख लो इसको ऐसे ऐसे कर देना है। ये हमारा 1 चम्मच डाल दिया हमने और 1 चम्मच और डाल देते हैं हम। ये है रॉक फॉस्फेट, तो इसमें 20 से 25% फॉस्फोरस होता है। तो ये जब हम पानी इस पर डालेंगे तो ये अपने आप नीचे चला जाएगा और प्लांट जो हमारा प्लांट है उसकी ग्रोथ में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से डालना होता है। तो हम 15 दिन बाद और डालेंगे इसमें और फिर प्लांट की ग्रोथ हमारी अच्छी होगी। तो इस तरह से आप भी यूज़ कीजिए अपने गार्डन में, और जो छोटे प्लांट्स हैं गार्डन में उनके लिए 1 चम्मच काफ़ी होता है, और फिर 15 दिन में फिर से 1 चम्मच डाल दो और फिर उससे अपना काम हो जाएगा, ठीक है। तो फॉस्फोरस बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है पेड़ पौधे के लिए, इसको यूज़ करें। तो चलिए आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, आज के वीडियो में इतना ही। और मुझे आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जिन लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो वो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को बताएं, फैमिली में बताएं, ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सकें। और जो गार्डनिंग कर रहे हैं वो लोग और फल सब्जियां जो उगा रहे हैं उनको अच्छे से उगाएं और उनको उपज ज़्यादा प्राप्त हो। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, जय हिंद।